हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज सुबह से लगातार हम आपको वो खबरें दिखा रहे हैं जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे बजट को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार का आखिरी पूर्णिय बजट रहा। इससे कितनी उम्मीदें लोगों की जुड़ी थी ये हम आपको लगातार बता रहे थे और साथ ही कितनी उम्मीदें पूरी हुई ये बजट पेश किए जाने के बाद साफ हो गया। तो लगातार अब जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मध्यम वर्ग की अनदेखी की गई है, हालांकि सरकार का दावा ये है कि गरीबों को और जो बेरोजगार लोग हैं उनको, किसानों को खासतौर पर जहन में रखा गया जब यह बजट तैयार किया गया, उनके लिए यह बजट पेश किया गया है। तो यह जानने की कोशिशें करेंगे इस चर्चा के जरिए एक विशेष पैनल के साथ कि कैसा यह बजट है। बीजेपी से शुरुआत कर लेंगे इस चर्चा की। गर्ग साहब, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि मध्यम वर्ग यानी कि जो सैलरी लेने वाले लोग हैं उनकी अनदेखी की गई है, उनको नजरअंदाज किया गया। मैं विपक्षी पार्टियों की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मध्यम वर्ग की अनदेखी की गई है, क्योंकि जितना भी बजट है जो उसमें हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और सभी वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वो प्रावधानों का जो फ़ायदा होता है उसमें मध्य वर्ग भी शामिल है। वो खाली उसका फ़ायदा सिर्फ अमीरों को या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को नहीं होगा। अगर पूरे देश में IIT बनेंगे या नए अस्पताल बनेंगे या सड़कें बनेंगी तो उस पर मध्य वर्ग भी चलेगा। वो खाली ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्ग घर पे बैठे है और उसको कोई खास ऐसा कुछ नहीं जनाब, ये जो काम किया वो ढूंढना पड़ेगा। शुरुआती तौर पर जो नजर आए कि मध्यम वर्ग के लिए आप लोगों ने ये कदम उठाए वो बताइए। मध्यम वर्ग के लिए जो मेरे को आज कुछ समझ आया, शायद सिर्फ सैलरीड क्लास ये चाहती थी कि हमारी जो आय में छूट है इनकम टैक्स में वो थोड़ी बढ़ जाती तो शायद उनकी ये जो अपेक्षा है हमारे से या जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है हमारे ऊपर, ये मेरा ख्याल शायद वो बिल्कुल नहीं बोलते। पर सैलरीड क्लास को आज जो 40,000 रुपए की उनकी सैलरी में से छूट दी गई जो पिछले कई वर्षों से बंद थी, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। जो सीनियर सिटीजन की पहले 10,000 रुपए, रंजीता मेहता जी चलिए कांग्रेस का पक्ष जानेंगे कितना बड़ा ये कदम है। ये उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन राहत के दरवाजे सीधे तौर पर नहीं खोले गए। देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से आज आम जन अगर ट्रेन में सफर करता है, जहां शताब्दी की टिकट 435 रुपए की आती थी, वही टिकट आज 935 रुपए की हो गई है। उस हिसाब से आपको टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाएंगे तो आम जन मरेगा। जहां पर एक आम आदमी की इनकम खुद कह रहे हैं 30,000 से 40,000 रुपए महीना एक आम आदमी की इनकम है, उस हिसाब से अगर 5 लाख पे आप 2.5 लाख पे आप टैक्स स्लैब शुरू कर देते हैं तो आम जन पिसता है। कम से कम इस स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख करना चाहिए था। अगर वाकई ही आम आदमी, आप लोगों ने कभी कोशिशें की करने की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी संभव है कि 10 लाख ही बढ़ा दिया जाए, दायरा इतना बड़ा कर दिया जाए, मुझे जब टैक्स पेयर्स की संख्या इतनी कम है? मैडम, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, ये GST को लेकर आए। अगर वाकई ही आप इतना ज्यादा जनता के लिए सोचते हैं तो आप पेट्रोल और डीजल को उसके अंडर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, 10 लाख की आप बात करते हैं, 10 लाख संभव है भारत के लिए कि 10 लाख का दायरा वो बना दिया जाए कि 10 लाख तक आप सालाना आप पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, टैक्स ही नहीं देंगे आपको। टैक्स लैब्स एक बार बताइए, 2.5 लाख से आप टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। आज अगर 2.5 लाख को हम डिवाइड करते हैं महीने के अंदर तो मात्र 20,000 रुपए महीना होता है। आप बता दीजिए कि 20,000 रुपए महीने के ऊपर भी अगर आप टैक्स 10% टैक्स लेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? 10% नहीं है, वो 10% नहीं है, उसको करेक्ट कीजिए। हमारे समय का हमने जो राहत दे चुके थे वो आज वही राहत चल रही है। इन्होंने आने के बाद क्या किया? बजट कैसा है ये बजट, जिससे उम्मीदें थी कि आखिरी बजट है, चुनावी बजट हो सकता है, लोक लुभावन बजट हो सकता है? लेकिन लोक लुभावन की बात ना ही करें, महत्वपूर्ण बात है कि असलियत में लोगों के लिए कुछ होना भी चाहिए। कहना कि हमने किसानों के पक्ष में कर दिया
और लेकिन वो हुआ है या नहीं है ये आपके बिल्कुल सबके सामने है। वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि हमने जो है MSP के ऊपर जो है 50% दिया है और आगे हम इसको भविष्य में देने का जो है लक्ष्य रखते हैं। तो मैं बता दूं कि जो इसकी इनपुट कॉस्ट जो है इसके मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय खाद्य निगम के रेफरेंस से बता रहा हूँ, इस समय पर गेहूँ की इनपुट कॉस्ट जो है आपकी लागत जो है 2408 रुपया है, लेकिन यहाँ पर इस समय पर MSP हमारे यहाँ का बात करें तो 1735 रुपये समथिंग चलता है। तो ऐसे में जो है 50% तो है जो आपकी लागत से कम तो इस समय पर दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आपने दावा किया हम ज्यादा दे रहे हैं, क्या ये भविष्य में 3000 से ऊपर दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ करके गया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने जो है पशुपालकों को बीच में लेकर के आ गए, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की जो दरों की कम करने की मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी उसके ऊपर, ब्याज दरों के ऊपर आपका कोई उत्तर नहीं है। किसानों के जो कर्ज माफी के ऊपर आपका उत्तर नहीं है, बेशक से इन्होंने ये कह दिया हो कि हम जो है NPA को कहीं ना कहीं जो है उसको तो ये हटा देते हैं, लेकिन किसानों के जो कर्ज माफी के बारे में आप बात नहीं करते किसी भी प्रकार की। इस प्रकार की बहुत सी चीजें इन्होंने कह दिया कि हम गरीबों के लिए इतनी, कह दिया कि कर्ज माफी कोई हल ही नहीं है, कर्ज माफी हल कहीं तो उनको बाहर निकाल करके आएंगे ना। इन्होंने 2022 तक का हमने दावा कर दिया कि 2022 तक हम बढ़ा देंगे, अगर किसान की आप उसको दुगनी भी कर देंगे आय को, तब भी जो है एक मजदूर की मिनिमम वेजेस से तब भी कम रहती है उसकी। तो ये दावे तो है बहुत गलत है। और क्या उम्मीदों का बजट है ये? नहीं देखिए, उम्मीदों का नहीं, ये मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार है जिस नीतियों को लेकर 2014 में उन्होंने शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाने वाला बजट है। उनका ध्यान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आगे के लंबे टाइम के जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेट्रो हो, ट्रेन हो, या फिर जो भंडारण के जो गोदाम हैं उनको लेकर हो, हाईवेज हो उनको लेकर हो, IIT IIM की बात जिस तरीके से, उन चीज़ों पर उन्होंने शुरू से ही ध्यान रखा है। और ये बात आप, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि उन्होंने कहीं पर भी वो नीति नहीं रखी है कि लोगों को तुरंत खुश कर दिया जाए, लोगों को अभी 2-6 महीने के लिए खुश किया जाए, ये सरकार का बदलाव है। और जैसा कि अभी रंजीता जी कह रही थी कि अब 10 लाख तक जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर आपने योजना नहीं लेकर आए, यहाँ पर आपने योजना नहीं लेकर आए, जब आप योजना लेकर आते हैं तो पैसे पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आज मैं पूरे दिन ये देख रहा था कि जहां जहां पर घोषणाएं नहीं हुई वहां पर तो विपक्ष पूछता है कि इसके लिए आपने किया कुछ नहीं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने घोषित किए हैं, चाहे वो हेल्थ का जो इंश्योरेंस है या और जो दूसरी चीजें, फिर पैसा पूछते हैं कि वो पैसा कहां से आएगा, लोगों का कार्ड ही नहीं बना तो किस बात की हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर काम करो वहां के लिए पैसा पूछते हैं, और जहां पर काम नहीं किया कहते हैं यहां पर काम नहीं किया है। तो ये स्थिति है एक हमारे जो लोकतंत्र की जो विपक्ष तो आलोचना करेगा, जाहिर तौर पर आलोचना करेगा विपक्ष, उसमें कोई भी दोराय नहीं। कांग्रेस का एक बार फिर से पक्ष जानेंगे, केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं इस पैनल पर। ढिंगरा साहब, जो प्रथम दृष्टा भले ही ये बजट अच्छा ना लगे, खूबसूरत ना लगे, शानदार ना लगे, जो कि PM कहते हैं कि सामान्य से सामान्य जन को सोचा गया जब ये बजट बनाया गया उसके भले में है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं जो कि सरकार दावे करती है। नहीं देखिए, इन्होंने नौकरी के लिए बड़ी बड़ी बात की कि हम 70,000 नौकरी लगाएंगे, आप 70 लाख नौकरी लगाएंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल के अंदर भी नहीं, वो जब तक ये 6 लाख नौकरी, उसमें भी एक खास बात ये है कि उसको रोजगार कहा गया है, सरकार परिभाषित करेगी कि रोजगार क्या है। देखिए वही बात है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का वायदा इन्होंने पर साल किया था, 4 साल हो गए, 8 करोड़ नौकरी अब तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन 6 लाख नौकरी ये अपने जो कहते हैं कि हम लगा पाए, तो अभी ये कहते हैं हम 70 लाख लगा देंगे 1 साल के अंदर, किस तरह से लगाएंगे ये तो बताएं। और दूसरी बात से अगर एक GTV का इंटरव्यू था, वो मैं देख रहा था पिछले दिनों, उस पे प्रधानमंत्री जी किस तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं। आज वो रोजगार जो है एक हास्यास्पद बन गया, उन्होंने ये कहा कि अब रोजगार जो है वो चाय पकौड़े लगाने वाला, जैसे आपके चैनल के बाहर कोई पकौड़े लगाने वाला है, देखिए रोजगार माने, उसमें कोई दराय नहीं, रोजगार तो है, माने रोजगार, रोजगार वो भी है, लेकिन सिर्फ वो ही रोजगार है वो अलग बात है। चलिए आप ये चर्चा में आगे बढ़ेंगे जी। प्रधानमंत्री पकौड़ा उज्ज्वला योजना हो गई है, तो जिस तरह जी बात कर रहे हैं कुलदीप चौहान जी, ढिंगरा साहब आएंगे आपके पास, एक और सवाल के साथ आएंगे आपके पास। हालांकि पकोड़े की रेहड़ी लगाना, पकोड़े बेचना भी रोजगार है, लेकिन 70 लाख रोजगार दिए जाने की बात है, क्या लगता है सरकार ने अभी तक जितना रोजगार दिया क्या इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, क्या इसके लिए कोई रोडमैप होगा BJP के पास? देखिए ज्योति, अगर 3 साल का हम रिकॉर्ड देखें सरकार का, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य हासिल हो पाना संभव नहीं है। सरकार ट्रेनिंग दे रही है, रोजगार के अवसर दे रही है, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो
हकीकत पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि सरकार प्लानिंग अच्छी कर रही है, योजना अच्छी लेके आ रही है, स्किल इंडिया बना रही है, मेक इन इंडिया कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से जो लोगों तक उसकी नौकरी की पहुंच पहुंचनी चाहिए, रोजगार क्रिएट होना चाहिए, वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस मामले में परेशानी ही खड़ी नजर आएगी। जी जाधव साहब, कितने नंबर दिए जाएं इस बजट को जो आज पेश किया गया? उस वक्त ये पेश किया गया कि जब चुनाव होने हैं, केंद्र में चुनाव होने हैं, उसके अलावा करीब 5 राज्यों में और भी चुनाव होने हैं, क्या चुनावी बजट इसे बनाया जाए, ये मोदी सरकार के जहन में नहीं रहा? देखिए, चुनावी बजट ज्यादा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें धुंधलाई हुई होती है। नहीं, चुनावी बजट अगर नजर आ रहा है, किस लिहाज से? हाँ, चुनावी बजट तो है ही कि जिस तरह से हेल्थ स्कीम लेकर आए हैं और कुछ इस तरह के वादे किए गए हैं कि हम जो है किसानों की जो आय है वो 1.5 गुना 2 गुना का नहीं कहा, उन्होंने कहा 1.5 गुना कर देंगे। तो ये लग रहा है कि अब तक जो स्वामीनाथन आयोग नहीं, उसमें भी पेच है, उसे समझा जाए, दर्शक भी उसे समझे कि रबी की ज्यादातर अधिकांश फसलों पर हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा देते आ रहे हैं, लेकिन किसानों तक वो नहीं पहुंचा। अब कहा गया कि खरीफ की फसलों पर 1.5 गुना ज्यादा देंगे, यानी कि 150% ज्यादा देंगे, क्या वो किसानों तक पहुंचेगा? ये एक उम्मीद पैदा करने वाली बात ही है। मुझे लगता नहीं कि ये, इसलिए क्योंकि इनके चुनाव घोषणा पत्र और बाद के बजटों में कितना अंतर रहा। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया कि हम उस आयोग की रिपोर्ट लागू ही नहीं कर सकते। कभी कहते हैं कि हमने जो है 2 करोड़ नौकरियों की बात कहते हैं कि हमने नौकरियों की नहीं रोजगार की बात की थी। अब ये तो क्लियर होना चाहिए कि 70 लाख रोजगार देंगे या नौकरियां देंगे, पहले तो इनसे ये नहीं रोजगार देंगे, बिल्कुल साफ कहा गया कि रोजगार दिए जाएंगे। 70 लाख में तो फिर वो बात वही है, 50 लाख कई लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं उससे अलग, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये भीख मांगने को भी रोजगार बता देंगे, ये भी रोजगार है। तो ये तो एक व्यंग का विषय हो गया, रोजगार की फिर कोई गारंटी नहीं। आज में अपना गुजारा कर रहा है वो किसी न किसी रोजगार में तो है। सूफी साहब, अच्छे दिनों की बात हुई थी, अच्छे दिनों की जो उम्मीद थी, इसे आखिरी उम्मीद कहा जा सकता था कि आखिरी पूर्ण बजट था, अच्छे दिन आ पाएंगे। इतनी भारी भरकम बहस के बीच में थोड़ी सी ठंडक में गर्मी लाना चाहता हूं कि भगवान करे, साहब भाजपा वाले आप भी सुन लीजिए, भगवान करे मैं खुश नसीब हो जाऊं, भगवान करे मैं खुश नसीब हो जाऊं, सत्ता के गलियारों में थोड़ा सा करीब हो जाऊं, भगवान करे मैं खुश नसीब हो जाऊं, सत्ता के गलियारों के थोड़ा सा करीब हो जाऊं, आप सबका अजीज हो जाऊं। और दर्शकों, मैंने सुना है ये बजट गरीबों का बजट है। हाँ। मैं भी चाहता हूं कि मैं गरीब हो जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि मैं गरीब हो जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि मैं गरीब हो जाऊं। इसी बात का जवाब दे दीजिए, ये कौन से गरीबों के लिए बजट है, कौन से गरीबों के लिए बजट है? रंजीता जी बोलिएगा, आपके पास ही मैं आऊंगी गर्ग साहब की बात। कौन से गरीबों का ये बजट है, कौन सी जो राहत है जो साफ तौर पर नजर आनी चाहिए, क्या जो आंकड़े आज पेश किए गए वो आंकड़ों की बाजीगरी रखेगी या उस पे काम किया जाएगा? देखिए, विपक्षी पार्टी में रंजीता जी कह रहे थे कि जो अपनी टैक्स की स्लैब है वो 10 लाख तक होनी चाहिए। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ कि सबसे बड़े विश्व के अर्थशास्त्री आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या 10 लाख की स्लैब कर पाए? शायद नहीं, शायद ये शायद रंजीता जी, एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप एक बार बात सुन लीजिए। गरग साहब, आप मुझे एक बात बता दें, आपने एक मिनट, आपने 2014 में 5 लाख करने का वायदा क्यों किया था जब दे नहीं सकते थे? मनमोहन जी जो वो क्यों नहीं, वो आप दे नहीं सकते थे, वायदा क्यों किया था? अगर वो 5 लाख आप दे नहीं सकते थे तो संकल्प पत्र में क्यों लिखा? उसको बोलते हैं इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बाद वो स्लैब नहीं बना पाए। सवाल ये था कि गरीबों के लिए क्या देना नहीं चाहते थे, तो तब आपने वोट लेने के लिए किया था। एक बार के लिए माइक आगे पास करेंगे। रविंद्र ढुल जी, क्या लगता है, क्या गरीबों को सीधा कोई फायदा पहुंचेगा? क्या महंगाई से जो आम आदमी परेशान है उस पे किसी तरह का कंट्रोल, उस पे किसी तरह का नियंत्रण? मुझे नहीं लगता है। इसका कारण है कि जितनी भी नित्य की वस्तुएं हैं, जिनकी भी हमने लिस्ट पढ़ी है, सभी किसी भी महंगी हुई है कहीं ना कहीं। तेल का रेट इन्होंने ये घटा नहीं पाए, इन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी लेकिन रोड सेस बढ़ा दिया। तो ऐसे में जब आम जरूरतें की चीज़ें महंगी होंगी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गरीबों को बेनिफिट मिलेगा। हमने बात की कि हमने 50 करोड़ लोगों को जो है BPL के तहत जो है उनको
आप ये यहाँ पर बेनिफिट देंगे हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख तक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्य आप हिंदुस्तान का हमारा ये है कि आज हमारे पास में क्या इतने अस्पताल इतने डॉक्टर्स हैं। हरियाणा के अंदर भी ये बात हुई थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जो है एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन वो बातें हवा हुई है। तो ये कहना जो है इनका बेनिफिट वहाँ तक पहुँच पाना, बीपीएल कार्ड्स का बन पाना, बनने के बाद में लोगों का वहां तक पहुंच पाना बहुत दूर का सपना है। ये सच्चाई है, ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस हो चाहे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंसेस हो, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आज तक फेल होती रही है। इसका कारण है प्रमुख व्यक्ति तक जो है बेनिफिट उसका नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमारे पास में इतने संसाधन ही नहीं है। तो इनको पहले संसाधनों के ऊपर बात करनी चाहिए थी, इन्हें बताना चाहिए था हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे हम। बिल्कुल, रोड मैप तो हो, एक साफ किया जाए कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए एम्प्लॉई में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस का इतना बुरा हाल है, आप देख लीजिए एसआई हॉस्पिटल्स का। चलिए, कांग्रेस नेता अब जब विपक्ष में हैं, ये रोड मैप बताएंगे। रंजीता जी, आप एक महिला भी हैं और महिला कांग्रेस की नेता हैं, आपको क्या लगता है 8 करोड़ गैस के कनेक्शन मुफ्त दिए जाने का वादा है, क्या एक महिला होने के नाते आपको राहत लगनी चाहिए? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, ये भी इनकी जुमलेबाजी है। पिछली बार इन्होंने आंकड़े जो पेश किए थे, इस बार आंकड़े उससे घटने चाहिए थे जितने इन्होंने गैस सिलेंडर बांटे हैं, इस बार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी जुमलेबाजी थी। आप अभी बात पूछ रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, उसका रोड मैप क्या है। देखिए, अगर किसानों की आय आपको दुगनी करनी है तो लगातार आपको 6 साल तक 12% की इंक्रीज से उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी किसानों की, तब जाके उनकी आय दुगनी होगी। और आपको पिछले 4 साल के आंकड़े बता दूं, 1.9% पे है हमारी जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ किसानों की। किसानों के लिए, किसानों के लिए आपकी सरकार, देखिए सिर्फ बीजेपी नहीं, को नहीं को सकते। जो इनके आंकड़े हैं, मैं उसके बारे में खासतौर पर किसान जो है, नहीं देखिए आप ही बताइए, आंकड़े उसके बारे में सरकार में रखे, क्या अमित शाह के बेटे का फॉर्मूला क्या है, किसान को जाकर सिखाएंगे कि 5000 से निकल जाए आपकी कंपनी बनती है। रुकिए बात के लिए, एक मिनट, एक एक कांग्रेस का ही पक्ष जाना है सर, कांग्रेस का ही पक्ष जाना है, गैस सिलेंडर पर आएंगे, लेकिन किसानों की बात। दीप कमल जी, क्या किसानों के लिए कोई बजट रहा ऐसा जिसको किसान कहे कि हाँ किसान के लिए बनाया गया है, किसान का फायदा हो जाएगा? देखिए ज्योति, देश का जैसे हम कहते भी हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा, और 60-65% जो लोग हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली खेती पर ही निर्भर हैं। उसके बावजूद पहले जैसे रेल बजट अलग आता था और आम बजट अलग होता था, उसको मर्ज कर दिया गया है। देश की जिस क्षेत्र पर 65% आबादी है, क्या उसके लिए अलग बजट नहीं होना चाहिए? क्या वो सबसे बड़ा तरीका नहीं होगा कि किसानों के लिए अलग से योजनाएं बने, स्पेशल उनका हिसाब किताब रखा जा सके कि खेती में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या 50 साल बाद चाहिए, क्या 20 साल बाद चाहिए और क्या इसी साल चाहिए। इस तरीके की कभी नहीं हुआ। इस बार सबसे बड़ी जो गड़बड़ बात यह है कि आज के जो बजट में जो उसकी टैगलाइन है, जो उसकी हेडलाइन है, जो उसका पैकेट है, वो ये कहा जा रहा है कि ये किसानों का बजट है, ये किसानों के हित का बजट है, जबकि वो अंदर से ऐसा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ ये हो रहा है। पूरी जो आज जो उसके बिंदु हैं उसके अंदर आप देखेंगे कहीं पर भी स्वामीनाथन आयोग का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का शब्द, ये शब्द ही उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। और जो जो आधार बनाया है कि वो 1.5 गुना लागत के ऊपर दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा धोखा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अधिकांश फसलों पर तो हम पहले से दे रहे हैं। आज के दिन जैसे रविंद्र ढूल जी बता रहे थे कि जो जो मिल रही है समर्थन मूल्य, उससे 50% तो लागत आ रही है ऑलरेडी, लेकिन ये और उनके नाम पर आप वाहवाही लूट रहे हैं। बाकी चीजों के लिए आपने आपको एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इस बार आपने क्योंकि किसानों का ध्यान रखा है इसलिए कुछ जगह पर आपको सख्ती करनी पड़ी। आगे बढ़ेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं, नरेश कौशल जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। नरेश जी, क्या लगता है सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्या भूल गई है या फिर उसकी परिभाषाएं ही बदल दी गई है? नहीं, सरकार को पूरी तरह से याद है, संसद में सरकार ने कहा है, क्या कहा है कि ये रिपोर्ट लागू करना अभी वाजिब नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अदालत को भी कहा गया, अदालत में भी कहा गया, जबकि पहले चुनाव में जो था वो कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव जीता था जो, तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेस पर भी एक पॉइंट ये भी था। और दूसरी बात मैं ज्योति यहाँ पे जो कहना चाहता हूँ वो है जो किसानों के साथ एक तरह से जैसे अभी क्योंकि किसानों की बात चल रही है, एक तरह से बड़ा ही हास्यास्पद मैं कहूँगा या अन्याय कहिए, ये कहा गया है कि जो MSP मिलेगा वो खरीफ की फसल पे मिले, नहीं रबी की अधिकांश फसलों पर मिलता आ रहा है ये वित्त मंत्री मानते हैं, और खरीफ की फसलों पर अधिकतर पर अब मिलेगा, ऐसा है फसलों पर मिलेगा।
रबी का तो इसमें जिक्र, इसमें तो खरीफ का कहा है ना कि खरीफ पे मिलेगा। हाँ। नहीं उन्होंने सर रबी पर मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, रबी पर हम दे रहे हैं, अधिकांश पर हम दे रहे हैं। अब खरीफ की फसल कब आएगी? दिसंबर। देख बात तो ये है ना, मैं जो बात कहनी चाह रहा हूँ, फसल जाके दिसंबर में आएगी, ठीक है, ठीक है, इलेक्शन नजदीक आ जाएगा। हाँ। तो नहीं जनाब, अगर उसमें, तो उसमें थोड़ा पेच है जो हमने पहले भी चर्चा की, सरकार को तो ये लगता है ना कि जो रबी की फसलें हैं उनमें ज्यादातर में हम पहले से दे रखे हैं, लेकिन किसान को कितना वो पहुंचा और सरकार की लागत की परिभाषा क्या है, किसान की लागत की परिभाषा क्या है, उसमें बड़ा पेच है। देखिए ये बात क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुकी होगी पहले भी, बिल्कुल ये सबको पता है कि MSP जो ये कहने की बात है, जो आलू जो सड़कों पे जाता है, प्याज और टमाटर का जो हाल होता है, वो किसी से छिपा नहीं है। जरूरत तो इस बात के कि आप जो किस तरह से आप जो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट कैसे लगाए जाए, बिल्कुल वो तमाम परेशानियां हैं जो कि चुनौती भी अपने आप में है। क्या डिफेंस का, क्या डिफेंस का बजट बढ़ाना सरकार भूल गई कि 1962 में डिफेंस का जो बजट था उससे भी कम बजट इस बार दिया गया है, जब डोकलाम जैसी स्थिति है, जब पाकिस्तान बार बार सीजफायर का उल्लंघन करता है, आप लोग चुनौतियां देते हैं, आप लोग कहते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी निंदा कर देते हैं, क्या उस बजट में बढ़ोतरी की दरकार नहीं थी? ऐसा नहीं है, डिफेंस पे हमारी जो सरकार है बहुत सेंसिटिव है। पहली दफा हुआ कि अपना बॉर्डर क्रॉस करके हमारे सैनिक उस तरफ गए और दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया। डोकलाम में चाइनीज को वापिस अपने पीछे जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा हमारी सरकार क्या का कदम है। आप लोग बढ़ा देते, क्या अगर, सेना के लिए राहत नहीं होती? अगर ये जो यूनियन बजट है, इन टोटेलिटी आप अगर इसको इन टोटेलिटी देखिए, ये एक एक फील्ड में जो यहाँ पे जरूरत थी उसकी तुलना में, जरूरत थी उतनी तुलना में, जितनी उम्मीद थी उसकी तुलना में डिफेंस का बजट इतना कम क्यों बढ़ाया गया? क्या सरकार स्थिति को भूल गई है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति को भूल गई है, खाली एक चीज नहीं है उसमें, बहुत डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, किसान है, स्टूडेंट्स हैं, गृहिणियां हैं, तो बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने देश की जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। हाँ। बहुत से मुद्दे रहते हैं बजट में, खाली एक मुद्दे पे बहस करने के लिए बजट नहीं होता जी। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है उतना शामिल नहीं है जितने बाकी मुद्दे शामिल। ये कहना आपका गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपको गलत लगता है ये, लेकिन डिफेंस का जितना बजट बढ़ाया जा सकता था, जितनी गुंजाइश और जरूरत थी उतना क्या सरकार ने बढ़ाया, ये सवाल अपने आप में वाजिब है। केवल ढिंगरा जी, देखिए जब सरकार ने बजट ही नहीं बढ़ाया तो वन रैंक वन पेंशन देंगे कैसे? ये सरकार जो है वो सरासर इस मामले में इनकी कलाई खुल रही है इस बात पे कि ये ना तो ये बजट बढ़ाना चाहती है और ना ही उसके ऊपर वन रैंक वन पेंशन देना चाहती है। तो जो जितने हमारे सर काटने की बात जो मोदी जी ने की थी, वो हमारे फौजियों की लगातार मौत हो रही है और उसका इजाफा हो रहा है। हाँ। और ये लोग उसके ऊपर वाहवाही लूट रहे हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर इनको अमाउंट बढ़ानी चाहिए थी, हथियार आने चाहिए थे। जहां तक की फौजियों की ये बात थी कि हथियार नहीं आ रहे, जूते नहीं मिल रहे, उनको सामान तक नहीं मिल रहा, तो ये बजट जो है कहां बढ़ाने की बात हुई। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक जो रोटी कपड़ा और मकान है उसके ऊपर भी ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। एक कपड़ा जो है वो एक आम आदमी की सुविधा का वो होता है, उसके ऊपर भी GST लगा दिया, कफन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जी जी। तो पेट्रोल डीजल और जो गैस है उसके ऊपर भी जो है उसको टैक्स के उससे बाहर रख दिया, जिससे हर चीज का रेट बढ़ गया और महंगाई बढ़ गई। आम आदमी जो है इससे त्रस्त हो चुका है। कुलदीप चौहान जी आपके पास आएंगे, महंगाई को लेकर कमेंट हम लेंगे कि महंगाई को जितना कंट्रोल सरकार कर सकती थी क्या किया गया और कितनी जरूरत है, आम आदमी की उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी उम्मीदें टूटी है, चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।